16 17 यस सर यस सर 17 में एक काम करो, 2 की पावर जो tan x है ना उसकी जगह पे तुम थोड़ी देर के लिए t पुट करो, क्योंकि वो 2 की पावर tan x सर 4 की पावर tan x सर 4 की पावर tan x दिया है। हाँ तो वही ना, हम 2 की पावर tan x की जगह पे t पुट करेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा ना 4 की पावर tan x। यस सर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो t माइनस 1 t माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेथड ऑफ इंटरवल से। तो इसका मतलब 2 की पावर tan x आ जाएगा किसके बीच में, 1 एंड 2 के बीच, 1 टू 2। अब इस tan x को हमें नीचे लेना है तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा बेस 2 का, एंड बेस 2 का लॉग है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो लॉग 1 बेस 2 0, लॉग 2 बेस 2 1, एंड यहाँ पे इसका लॉग ले लेंगे तो tan नीचे आ जाएगा, तो tan x इंटू लॉग 2 बेस 2 तो वो 1, tan x इंटू 1 तो सीधा tan x लिख रहा हूँ, तो tan x आ रहा है 0 टू 1 के बीच में। अब उसके बाद ये आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, tan x का ग्राफ का कौन सा पोर्शन देखना है जो 0 टू 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये देखो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन एंड ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, इन दोनों के बीच का पोर्शन चाहिए तो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन में x जो है वो कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 टू पाई बाय 4, और ऐसे इनफाइनाइट पोर्शन आएंगे तो किसी एक का आंसर लिखेंगे और उसमें n पाई ऐड कर देंगे, तो n पाई टू n पाई प्लस पाई बाय 4, क्लियर? यस सर यस सर यस सर। और 18 वाला रहने दो, अभी 18 वाला जब हम FOM2 पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज के बाद, जिसमें इरेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं, उसमें उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में, पार्ट 2 में बताओ सर 28 तक हुआ था, 28 तक हुआ था, उसके बाद 29 30 यस सर डाउट है क्या 30? यस सर ठीक है 30 डाउट है, 30 में दिया हुआ है साइन 3x इज लेस देन साइन x, ठीक है। तो इसको एक्सपांड करो, साइन 3x का फॉर्मूला लगाओ और उसको एक्सपांड करो तो हमें मिलेगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x लेस देन साइन x, तो इस साइन x को इधर लेके आ जाओगे तो ये 2 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x लेस देन 0, तो थोड़ी देर के लिए साइन x की जगह पे t पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2t माइनस 4t क्यूब। अब यहाँ से माइनस 2t, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो क्योंकि फैक्टराइज करना है, t में लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं तो उसमें t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज। अब इसको जब फैक्टराइज करने जाएंगे तो 2t बाहर अंदर में t स्क्वायर माइनस 1, तो इसके फैक्टर्स सॉरी यहाँ पे 2 बचा रहेगा, ठीक है। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो रूट टी माइनस 1 रूट टी 2t प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है माइनस 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 0 एंड 1 बाय रूट 2, ठीक है। अब तीनों को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वहां पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो इसके इधर प्लस माइनस और हमें प्लस वाला रीजन चाहिए मतलब ये वाला, तो उसमें क्या आ रहा है, ये जो t है वो ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 2 लेस देन 0, और ये जो t आएगा ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2, एंड t हमारा क्या था साइन x, तो साइन x ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 2 लेस देन 0 एंड साइन x ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2। तो अब इसका ग्राफ बनाते, तो साइन x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये उसका ग्राफ आएगा, तो इस ग्राफ में y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 वाली लाइन,
y is equal to minus 1 by root 2 वाली लाइन एंड y is equal to 0 वाली लाइन मतलब x एक्सिस. तो जहां जहां पे ये कट हो रहा है उनको तो चलो इंक्लूड करना ही नहीं है क्योंकि हर जगह ओपन ब्रैकेट है तो इसकी वजह से ये वाला पॉइंट. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि साइन एक्स माइनस वन बाय रूट टू टू जीरो होना चाहिए. इसका मतलब ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा, है कि नहीं. माइनस वन बाय रूट टू टू जीरो एंड देन दूसरा कहता है वन बाय रूट टू से बड़ा होना चाहिए तो ये वाला रीजन. अब एंगल्स लिख लेते हैं, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा माइनस पाई बाय फोर क्योंकि ये माइनस वन बाय रूट टू वाली लाइन है ना. तो साइन माइनस पाई बाय फोर माइनस वन बाय रूट टू होता है ये जीरो. ये यहाँ पे पाई बाय फोर, ये थ्री पाई बाय फोर, ठीक है, ये पाई और ये फाइव पाई बाय फोर. क्लियर. तो ये देखो यहाँ पे ऐसे तीन अलग अलग शेडेड रीजन हमें दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला. ठीक है, तो इसका पहले हम आंसर लिखेंगे और ऐसे इनफाइनाइट शेडेड रीजन हमें मिलने वाले इस तरीके के, इस तरीके के इनफाइनाइट एंड इस तरीके के इनफाइनाइट. तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो माइनस पाई बाय फोर टू जीरो, अब वो हर टू पाई के बाद रिपीट करेगा ये वाला शेडेड रीजन, तो इसमें टू एन पाई एड कर देंगे. क्लियर यूनियन. अब ये वाला इसमें पाई बाय फोर टू थ्री पाई बाय फोर, तो उसमें भी 2n पाई ऐड कर देंगे. क्लियर यूनियन. ये वाला 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 4, ये वो आंसर्स रहेंगे. ठीक है. यस सर. तो देख लो, एक तो वो दिख रहा है डी ऑप्शन, एक ए ऑप्शन दिख रहा है एंड एक्स में सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ए सी डी आंसर होगा इसका. यस सर. फिर उसके बाद 31, 32, 33. यस सर. ठीक है, 33 में देख लो क्या है ये. इसको हम साइन 2x एंड cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं. या तो ऑप्शन जब देख रहे हैं तो tan दिख रहा है, साइन दिख रहा है, ठीक है, tan में कन्वर्ट करते हैं. ऑप्शन में tan आ गया तो tan में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos square से डिवाइड. तो cos square से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 5 into tan square, ये root 3 into tan x एंड इधर आ जाएगा ये प्लस 6, प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 बाय cos स्क्वायर x, मतलब यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाएगा. एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा. हमने cos square से डिवाइड किया और ऐसा करने का रीजन क्या था, tan में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे 5 by cos square मतलब वो cos square ऊपर जाके sec square x बन जाएगा, तो इसको भी tan में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो थोड़ी देर के लिए tan x की जगह पे t लिख दो तो ये आ जाएगा 5 t square plus root 3 into t plus 6 is equal to ये 5 plus 5 t square आएगा क्योंकि sec square x मतलब क्या होता है 1 plus tan square x, तो वो पुट कर दिया तो ये 5t square गया. तो जब t की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस वन बाय रूट थ्री, दैट इज tan x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाय रूट थ्री. तो ये आ गया एन x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई माइनस फाइव बाई सिक्स. क्लियर. यस सर. यस सर. लेकिन इसमें आंसर्स नहीं है. कितने दिए गए, कौन सा एडी आंसर है क्या इसका, एसी कहां से आ गया. अब
गलती कहाँ हो गई फिर? ये cos square से डिवाइड करने की वजह से कुछ सॉल्यूशंस कम हो गए क्या इसके? एक तो चलो ये मिल गया, और अगर डायरेक्टली देखने जाएंगे इसको इसमें वो cos square से डिवाइड करने की वजह से सॉल्यूशंस कम हो गए हैं, वो इसमें फिर एक चीज ये करो, ये ज्यादा सही लग रहा है, इसमें 5 sin square x plus 5 cos square x एक साथ दे दो, एक cos square x बचा रहेगा, यहाँ पे √3 sin x cos x plus is equal to 5, तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है, ये 5 एंड ये 5 कैंसल आउट, तो ये cos square x plus √3 sin x to cos x is equal to 0, ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ से cos x को बाहर ले लो, यहाँ से cos x को बाहर लोगे, तो हमें मिलेगा cos x plus √3 sin x, तो एक तो मिल रहा है cos x is equal to 0, एंड यहाँ से tan x is equal to -1/√3, इस तरीके से जाओ, ये cos square से डिवाइड करने की वजह से एक सॉल्यूशन कम हो गया, क्योंकि हमें नहीं दिख पाया, ठीक है, तो ये तो चलो अवॉइड करो, इससे जाओ, अब यहाँ से मिल जाएगा, ये आ जाएगा n pi plus pi by 2x, ठीक है, और जब यहाँ पे लिखोगे तो tan x तो आ ही गया ना, 34, 35, थर्टी फाइव में एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ से एक काम करो साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स आएगा, ठीक है, ये देखो इसको हम साइन 2x बना सकते हैं, 2 से बस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो ये साइन 2x अपॉन 2 और ये आ जाएगा माइनस कॉस 2x ग्रेटर देन 0, अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन 2 लेस देन 0, इस 2 का भी कुछ काम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसल आउट कर दो, ठीक है, अब उसके बाद अगेन इसको हम साइन 4x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से जब देखेंगे तो साइन 4x लेस देन 0 आ रहा है, अब उसके बाद लिख लो वो एंगल 0 टू पाई के बीच में कौन सा रहेगा, ठीक है, 4x, ये ध्यान रखना, फिर उसके बाद 36, 37, यस सर, 37 में ये साइन x एंड साइन 3x को एक साथ लो, 37 में साइन एक्स एंड साइन 3x को एक साथ लोगे, ठीक है, प्लस साइन 2x, यहाँ पे कॉस एक्स एंड कॉस 3x प्लस कॉस 2x, ठीक है, तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉस 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, अब यहाँ से साइन 2x बाहर, अंदर में बचेगा 2 कॉस एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी कॉस 2x बाहर, अंदर में बचेगा 2 कॉस एक्स प्लस 1, इसको कैंसल आउट मत करना, एक तरफ लेके आ जाओ, तो एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो 2 कॉस एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर में ये बचेगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है या तो साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x या कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, तो अब लिख लेना इसके सॉल्यूशन, ठीक है,
पार्ट थ्री भी दिया था क्या? यस सर। पार्ट थ्री में कितने हो गए थे डिस्कस? 16 तक हो गए थे, उसके बाद 17, 18, 19, 20। यस सर। यस सर। 20 में देखो, कंसीडर द टैन थीटा प्लस साइन फाइव, टैन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू 3/2 एंड टैन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर फाइव इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाइव बतानी है। इफ थीटा प्लस फाइव, मतलब ये जो थीटा प्लस फाइव जो है वो लाई कर रहा है 0 to 2π, ठीक है, इसके बीच में। अब यहाँ पे ये टैन थीटा साइन फाइव एक रिलेशन गिवन है और ये दूसरा रिलेशन, तो यहां से हम थीटा के टर्म्स में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे एंड फाइव के टर्म्स में। तो ये देख लो, टैन थीटा को यहां से उठाओ एंड इसमें पुट कर दो, तो ये 3/2 माइनस साइन फाइव का स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर फाइव इज इक्वल टू 7/4। तो इसको एक्सपांड करोगे तो 9/4 माइनस 3 into साइन फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव प्लस कॉस स्क्वेयर फाइव इज इक्वल टू 7/4, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये 9/4 माइनस 3 साइन फाइव, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 7/4। तो यहां से जब साइन फाइव लिखेंगे तो एक तरफ भेज दो इसको, ये 1/ कितना आता है, ये 1/2 प्लस 1 और 3 साइन फाइव। तो यहां से जब साइन फाइव निकालेंगे तो वो आ जाता है 1/2। ठीक है, तो साइन फाइव तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो टैन थीटा आ जाता है 1। तो फाई इज इक्वल टू 0 to 2π के बीच के एंगल ही लिखना, क्योंकि थीटा प्लस फाई 0 to 2π है। ठीक है, तो उनके बीच के एंगल लिखेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहला एंगल ये π/6 एंड ये 5π/6 एंड यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/4 एंड 5π/4। अब हमें थीटा प्लस फाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो थीटा प्लस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब फाई भी मैक्सिमम होगा एंड थीटा भी मैक्सिमम, तो 5π/6 प्लस 5π/4। लेकिन यहाँ पे गलती ये हो जाएगी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो 2π से बड़ा आ जाएगा। लेकिन तुम बताओ, क्या हमें 5 प्लस थीटा का सम 2π से बड़ा चलेगा क्या? नो सर, नहीं चल पाएगा। वो नहीं चल पाएगा, तो इस वजह से हमें दूसरे इसके ऊपर जाना पड़ेगा, ऑप्शंस के ऊपर। तो थीटा प्लस 5, अब तुम फाई की मैक्सिमम वैल्यू लो, या तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लो एंड फाई की मिनिमम, क्योंकि ये तो हमने देख लिया, ये 5π/6 एंड ये 5π/4 लेके देख लिया कि सम तो 2π से बड़ा आ रहा है। तो अब थोड़े चेंजेस, अब इसमें तो मैक्सिमम रखो एंड फाई की दूसरी वैल्यू ले लो, तो ये 5π/4 प्लस 5/6 ये 2π से छोटा आता है। ठीक है, थीटा प्लस 5, अब एक और चेंज इसमें, अब ये 5π/6 यहां से उठाओ एंड यहां से 5/4, अब देख लो कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो तुम्हें ये वाली वैल्यू बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो ये बड़ी है, 2π से छोटी भी है, तो थीटा प्लस फाइव, यहाँ पे थीटा है, थीटा प्लस फाइव मैक्सिमम ये होगा। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद 21। यस सर। 21 में क्या, इफ द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ n सो दैट इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन p टू q, देन वैल्यूज ऑफ pq प्लस qq अंदर मल्टीप्लाई करो, ये साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x आएगा, इसको देखो हम cos 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको साइन 2x में, तो उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x 2n, और इस 1 को भी उधर भेज दो तो -1, तो दिख रहा है ना,
इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाना है तो इस 2n plus 1 को किसके बीच में लाई करना पड़ेगा? माइनस रूट टू। तो यहाँ पे 2n किसके बीच में आएगा? 1 माइनस रूट टू टू 1 प्लस रूट टू एंड n किसके बीच में आएगा? 1 माइनस रूट टू अपॉन टू टू 1 प्लस रूट टू अपॉन टू। क्लियर? यस सर। उसके बाद देख लो p q की वैल्यू दे दो, क्यूब करके ऐड कर दो। 21 हो गया, 22, 23, 24, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? 23 बेटा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सारे थीटाज वन होंगे। ये माइनस वन टू वन के बीच में लाई करता है, ये जब देखेंगे टू इंटू साइन टू थीटा तो माइनस टू 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 आएगा, ये माइनस थ्री टू थ्री आएगा एंड माइनस फोर टू फोर आएगा। अब इन सबका सम टेन है, मतलब इसको वन, इसको टू, इसको थ्री एंड इसको फोर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी अगर टू साइन टू थीटा को टू होना है तो साइन टू थीटा वन, थ्री साइन थ्री थीटा को थ्री होना है तो साइन थ्री थीटा वन, ऐसे ही साइन फोर थीटा, इन चारों को वन होना जरूरी है। और ऐसा कोई थीटा पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये चारों एट अ टाइम वन आ जाए, क्योंकि साइन का वन आने का मतलब अंदर का एंगल पाई बाई टू, पाई पाई बाई टू ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी थीटा नहीं मिलेगा जिसके लिए, जैसे मान लो इसको हम वन बनाने जाएंगे, बाकी सारे नहीं आ पाएंगे वन, क्योंकि अगर हम मान लो पाई बाई टू पुट करते तो ये कितना बन जाएगा? साइन पाई जीरो बन जाएगा। तो ऐसा कोई थीटा नहीं मिलेगा जिसके लिए चारों एट अ टाइम वन होंगे, तो इसके वजह से नो सॉल्यूशन है। ठीक है? यस चलो, तो ये हो गया पार्ट थ्री। पार्ट फोर कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। यस यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज टू पार्ट फोर। ठीक है? एंड एक्सरसाइज थ्री पार्ट टू, ये दो चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है? कंप्लीट करके रखना, एंड कल तुम्हारा वो रिवीजन लेक्चर भी लगा हुआ है 4:30 बजे से, तो अटेंड कर लेना जरूरत होगी तो। ठीक है? सर किस चीज का है? उसका है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है सर? हाँ मैं नहीं ले रहा हूँ, दूसरे सर। हाँ बोलो सर। अगले वीक भी रहेगी क्या? हाँ अगले वीक भी रहेगी, देखते हैं। हाँ डीपीपी इज ऑल्सो रिमेनिंग फॉर डिस्कशन। बेटा जितनी डीपीपी में क्वाड्रेटिक था वो तो हो ही गया, 13 तक डीपीपी हो गई ना डिस्कस। कितनी डीपीपी डिस्कस? हाँ बाकी के बाकी। अरे तो उसमें सीक्वेंस सीरीज है, बाकी रखने के पीछे रीजन है ना, सीक्वेंस सीरीज आ रहा था वहां पे, उस टाइम पे हमने नहीं पढ़ा हुआ था। अभी भी सिर्फ एपी ही पढ़ा है, बाकी की चीजें बाकी है ना पढ़ने। यस सर। हाँ चलो, तो कल के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देख रहे थे, है ना? तो सारी प्रॉपर्टीज लिख ली थी। यस। चलो तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई थी, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर। एक मिनट बस।
ठीक है लिखो क्वेश्चन. सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27. सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 293 एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 293. Then find the numbers. Then find the numbers. Sum of three numbers in AP is 27 and sum of their squares is 293. Then find the numbers. सही है वरद, नितिन, अथर, गलत है ओम. सही आयुष, योगिनी. अरे गलत है बेटा वो. गलत है प्रमुख. सही आदित्य. चलो देखो यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, उनका सम हमें गिवन है एंड उनका उनके स्क्वेयर का सम गिवन है. तो उन तीन नंबर हम कौन से लेंगे, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे उनका सम गिवन है. ठीक है तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना, 27. तो थ्री ए इज इक्वल टू 27. तो ए जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
9 आ जाएगा एंड उसके बाद अब उनके स्क्वायर का सम मतलब ये 9 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर मींस 81 एंड 9 प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 ठीक है तो इसको एक्सपांड करेंगे तो ये 81 माइनस 18 डी प्लस डी स्क्वायर प्लस 81 हाँ बोलो 293 आ जाएगा तो ये 81 तो ये हो जाएगा 162 प्लस तीन बार है तो ये आ जाएगा 243 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 तो यहाँ से जब d स्क्वायर निकालेंगे तो 25 d स्क्वायर 25 आ जाएगा तो d इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5 इफ d इज इक्वल टू 5 जब हम d की जगह पे 5 लेंगे तो देख लो पहली वाली टर्म क्या आ जाएगी ये पहली टर्म है ठीक है a मतलब यहाँ पे अब पहली टर्म नहीं है a सेकेंड टर्म है तो पहली टर्म a माइनस d तो जब हम d को 5 लेंगे a तो 9 है तो 9 माइनस 5 तो 4 पहली टर्म है दूसरी टर्म 9 है उसके बाद 14 एंड अगर उल्टा लेंगे d इज इक्वल टू 5 लेंगे तो पहली टर्म 14 आएगी दूसरी 9 एंड तीसरी 4 आ जाएगी तो मतलब वही 4 9 14 यही तीन टर्म्स है ठीक है हाँ बोलो सर पहली वाली स्लाइड दिखाई तुमने तो आंसर दे दिया था तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी मेरी हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी चलो लिखो लिखो जल्दी किसी का बाकी है क्या लिखना ठीक है नेक्स्ट ठीक है तो अगले इसमें लिखो
जो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन वाला क्वेश्चन हो गया था ना लास्ट लेक्चर में. यस सर. यस टू एन बाय एन. यस सर. यस सर. यस वाला क्वेश्चन हो गया था. ठीक है. और ठीक है तो लिखो यहाँ पे साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी. साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी. इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24. इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड. Then what is the length of its smallest side? फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन. Sides of right angle triangle are in AP. ठीक है. If triangle has area 24, then what is the length of smallest side? क्या आ रहा है बताओ जल्दी. अरे बहुत आसान है ये, इतना क्या टाइम लग रहा है. ये तो तुमने अभी तक जितनी भी चीजें देखी उसके थ्रू भी बता सकते हो. मतलब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ तो पता होगा ना तुम्हें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वगैरह, उसके थ्रू भी बता सकते हो. या तो दो तीन ही पता है क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट. कौन से पता है बताओ तुम लोगों को. 3 4 5. 3 4 5 और 13 12 13 41 40. यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है. सर मैंने डाला आपको. हाँ 6 आता है क्या. हाँ सर. ठीक है. तो इसमें इसकी साइड लेंथ, अब तीन साइड्स लेने, क्या यहाँ पे सम की जरूरत हमें पड़ने वाली है क्या. सम सर. नहीं सर. तो एक काम करते हैं, इसको ए ए प्लस डी एन ए प्लस टू डी, यही तीन साइड्स ले लेते हैं जो कि एपी में है ना.
यस सर। ठीक है, तो ये ले लिया। अब उसके बाद पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू डी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए डी प्लस डी स्क्वायर, है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस और कितना आ जाएगा, लेकिन वो लेने से थोड़ा आसान हो जाता, डी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता, ठीक है, अब ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर ए डी प्लस फोर डी स्क्वायर, तो ये एक ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, एक एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो ये थ्री डी स्क्वायर प्लस टू ए डी माइनस ए स्क्वायर ये आ जाएगा। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स थ्री डी माइनस ए इंटू डी माइनस ए डी प्लस ए ये आ जाएंगे, ठीक। तो एक तो आ रहा है डी इज इक्वल टू ए बाई थ्री, एंड एक आ रहा है डी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, रख लिया इसको हमने अभी, ठीक है। अब उसके बाद हमें गिवन है क्या, उनका एरिया। अब एरिया कितना आएगा, हाफ ए इंटू ए प्लस डी आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 24। तो यहां से अब डी की वैल्यू उठाओ, या तो तुम माइनस ए उठाओ, तो तुम बताओ माइनस ए ले सकते हैं क्या, माइनस ए ले सकते हैं क्या? नो सर, नहीं ले सकते, ए बाई थ्री लेना पड़ेगा। तो ए बाई थ्री पुट करेंगे तो हाफ ए इंटू ए प्लस ए बाई थ्री इज इक्वल टू 24। तो ये ए या आ जाएगा 4a by 3 और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 48। तो यहां से a square is equal to 48 into 3 by 4, तो a is equal to कितना आ जाएगा, ये 16 into 3, ठीक है, यही आ रहा है, नहीं 12 into 3, 12 into 3, तो a square is equal to 36, तो a is equal to 6, माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि वो साइड लेंथ है, भले अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 होता है तो प्लस माइनस 6 आता है, लेकिन यहाँ पे वो एज अ साइड लेंथ यूज कर रहे हैं उसको, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए 6 आ जाएगा और यही स्मॉलेस्ट साइड है कि नहीं, तो ए इज इक्वल टू 6 इसका आंसर है। क्लियर, इसमें वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा था, 6 8 एंड 10 वाला, किसी को कोई डाउट इसमें? सर मैंने a माइनस d a और a प्लस d लिख के, यस सर, क्या सर वो a माइनस d a और a प्लस d लेके किया मैंने, तो भी हो जाता ना, इजी होता है उससे, उससे इजीली हो जाएगा सर, ये फैक्टराइज करने में थोड़े कॉम्प्लिकेशन से, उसमें वो इजीली d कॉमन आता हुआ दिखता है या नहीं आ रहा है वहां से, सर d कट हो जाता है, D square cancel out ही हो जाता तो easily मिल जाता ये relation, लेकिन इसमें थोड़ा मतलब same ही पढ़ा है, वैसे एक step इसमें बढ़ गई है और कुछ नहीं था, ठीक है। तो किसी को कोई doubt इसमें, कोई भी doubt है तो पूछ लो, रिवीजन कितने लोगों ने स्टार्ट कर दी है, सच सच बताना, ये नहीं कि बस झूठ बोले जा रहे हो यहाँ पे। कौन से टॉपिक की चालू की है, ट्रिग्नोमेट्री तो अभी हुआ है जस्ट सर, मैंने क्वाड्रेटिक की है, पीछे का टॉपिक कह रहा हूँ सर, मैंने फिजिक्स का, सर वो टेस्ट के लिए कर लिया था ना, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ जा रहे थे, तो वो तो जाएगा, तुमने सही टाइम पे सारे फॉर्मूले याद नहीं किए, याद है क्या सारे फॉर्मूले, पूरा रटे हुए एकदम, आ जाओ फिर किसी दिन सेंटर पे, लेते तुम्हारा वाइवा, हाँ आओगे,
बोलो। यस सर। कौन आ सकता है? मतलब सर ले लो, मैंने तो सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं, आप बस बुलाओ और सारे फॉर्मूले वो बता दूंगा आपको। धीरे धीरे हाथ नीचे होते जा रहे हैं, मतलब अभी भी याद नहीं किया ना तुम लोगों ने? बस दो ही लोग? दो भी नहीं है अब तो। आदित्य, ठीक है बेटा, बुलाऊंगा मैं तुम्हें इस वीक में किसी दिन सेंटर पे, और पूछूंगा सारे फॉर्मूले, सारे रिजल्ट्स, जो जो चीजें मैंने याद करने के लिए बोली थी, वो कंडीशनल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टाइप्स, कैसा डाटा दिखता है तो कौन सा इक्वेशन, मतलब किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, सब पूछूंगा। ठीक है, तो रेडी रहना। और कोई नहीं क्या? आर्यन, लड़कियों में तो कोई भी नहीं शायद, ये कहाँ गए? सीरियल गर्ल्स कहाँ गई? अर्चिता, नहीं संयुजा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है अब, क्या बोले, याद तो है नहीं, याद तो हमने किया नहीं है। 2 दिन में हो जाएंगे, तो इतने दिनों तक तो क्या कर रहे थे? अपना ट्रिगो चला है लगभग 20-25 दिन चला पूरा, वो कौन सा अगस्त महीना अपना ट्रिगो में ही गया है कि नहीं? पूरा यस सर। अगस्त ट्रिगो में गया है, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से फिर तुम लोगों ने मजे मारे, सही कह रहा हूं ना? आजादी के नारे लगाते हुए घूम रहे थे, है कि नहीं? सही कह रहा हूं ना? पता नहीं और कौन सी आजादी चाहिए तुम लोगों को, या ये पढ़ाई से आजादी चाहिए? हाँ नो सर। होंगे, बहुत सारे होंगे सर, ये इनसे आजादी दिलवाओ हमें, कितना पढ़े हम लोग, सही कह रहा हूं ना आयुष? नो सर। नहीं क्या? होंगे, बहुत सारे होंगे, अंदर से तो हाँ आ रहा है लेकिन बोले कैसे, मुंह से तो ना ही बोलना पड़ेगा, है कि नहीं योगी? नहीं नहीं सर। नहीं क्या? चलो ठीक है, तुम पढ़ लो बस, बढ़िया जगह पहुंच जाओ, जो तुम्हें आजादी चाहिए वो अपने आप मिल जाएगी, जो भी तुम्हें भी एक्सपेक्ट मतलब ये कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ डाला है ना शायद मानस पाठक सर ने ग्रुप पे, कि हमें अगर बिना प्राइस देखे कोई चीज खरीदनी है बाद में, फ्यूचर में ज्यादा सोचना नहीं है प्राइस के बारे में, तो क्या करना पड़ेगा? अभी बिना टाइम देखे पढ़ाई करनी हुआ पड़ेगी। सपने तो होंगे बहुत सारे लोगों के कि ये खरीदना वो खरीदना, ये वाली गाड़ी वो वाली गाड़ी, है कि नहीं? क्या नहीं है? यस 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 सर। क्यों सर? सबके होते हैं ना, तो वही है। एक कोई ऐसा है सर, कोई सपना नहीं है, ये सब मोह माया है, इन सबसे ऊपर उठना है हमें, ऐसा कोई है क्या जिसको अपने आप को धर्म अध्यात्म में विलीन कर लेना है? कोई है तुम में से? ओम, हाँ संन्यास ले लेना सर। वही कोई तो होगा नहीं ना। सर। अच्छा नहीं है क्या कोई? चलो ठीक है फिर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो लिखो नेक्स्ट, इफ बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, एंड ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, आर इन ए पी, आर इन ए पी
then prove that. Then prove that 1 by A, 1 by B, 1 by C are also in AP. ये भी एपी में है, ये प्रूव करना है. तो उसके लिए जो बात की हमने प्रॉपर्टीज तो पांच छह देखी है जी. और एक प्रॉपर्टी इसमें कौन सी दो प्रॉपर्टीज यूज होगी वो बता देता हूं. अगर हम एपी के सारे टर्म्स में कोई फिक्स कांस्टेंट ऐड करते तो सीक्वेंस एपी में ही रहती है, एंड किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तब भी वो एपी ही रहती है. तो इन दो प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी है. देखो कैसे लोगे आप, सोचो. हाँ सही है नितिन, आगे बढ़ो. अब हमें बस वन बाय ए रखना है, वन बाय बी एंड वन बाय सी. मतलब ये ऊपर वाली चीज कैंसल आउट होनी चाहिए, एंड ऊपर में तीनों चीजें अभी तो अलग अलग दिख रही है. यहाँ पे बी प्लस सी माइनस है, यहाँ पे सी प्लस ए माइनस बी. तो अगर इनको हम सेम कर पाए, अगर इनको हम सेम कर पाए तो फिर 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी बचा सकते हैं. तो पहले ये ऊपर वाले टर्म को सेम करने के बारे में सोचो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. चलो देखो, अब ये तो अभी एपी में है, ठीक है. ऊपर अब हमें सेम तीनों में सेम टर्म्स लानी है, ताकि फिर उससे डिवाइड करके सिर्फ हम 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी वहां पे बचा सके. तो इसमें हमें ऐड करना पड़े, अभी तो ये एपी में है, ठीक है. अब हम तीनों टर्म्स में अगर सेम कांस्टेंट ऐड करेंगे, टू सेम कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे टू, तब भी ये एपी में ही रहेंगे, ठीक है. तब भी ये एपी में ही है. ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी प्लस टू, क्योंकि सेम कॉन्स्टेंट ऐड कर रहे हैं. अब उसके बाद यहां पे ले लो
सेम ले लो तो ऊपर में दिख जाएगा तुम्हें कि a प्लस बी प्लस सी आ रहा है अपॉन a, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी अपॉन a, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a, सॉरी यहाँ पे b एंड यहाँ पे c, ठीक है। तो ये AP में है और हमने देखा है अगर को टर्म्स AP में है एंड उनको हम फिक्स कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, सेम कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में ही रहेगी। तो इसका मतलब अगर हम तीनों को A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देंगे तब भी ये AP में ही रहेंगे, क्लियर। तो ये देखो 1/a, 1/b, 1/c AP में आ गए। तो किस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज किया है, क्लियर है? यस सर। चलो लिख लो। यस सर। हो गया सर। चलो नेक्स्ट। अब हर बार ऐसे ही जाना पड़े ये जरूरी नहीं है, अगले क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाएगा कि कुछ और चीजें भी यहाँ पे यूज हो सकती है, कोई और मेथड्स। तो लिखो इफ 1/b + c, 1/c + a एंड 1/a + b आर इन एपी then prove that a square b square c square are in AP, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऐड करके तो नहीं होने वाला है उससे, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं ला सकते हैं। तो कुछ और सोचो, एपी में है तीनों और इनको एपी में लाना है।
चलो तन्वी का प्रूव हो गया। तो इसमें देखो अगर कोई चीज हम नहीं सोच पा रहे हैं, ये तीन टर्म्स एपी में है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये ला पाए, अगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो फिर उसके लिए वो जो सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी, अगर तीन टर्म्स एपी में होते हैं तो टू टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू वन ऑफ, मतलब ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का सम ये आ जाता है, तो फर्स्ट टर्म वन अपॉन बी प्लस सी एंड वन अपॉन ए प्लस बी, ठीक है यही है, तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये सी प्लस ए, ठीक है इधर एलसीएम जब लोगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना आ जाएगा, तो उससे बढ़िया एक काम करते तो उससे और आसानी से आ जाता, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते तो कॉमन डिफरेंस, एंड ऐसे ही थर्ड में से सेकेंड को माइनस करते तो ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती। अब एलसीएम लो और आसानी से आ जाएगा, जो मैं पहले कर रहा था उससे तो आने वाला था लेकिन इससे लोगे तो और आसानी से आएगा। इससे करोगे तो ये बी प्लस सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ पे सी प्लस ए गया, ये सी सी कैंसल आउट, यहाँ पे बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, यहाँ पे ए गया सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो b माइनस ए बी प्लस ए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर ऐसी चीज मिल रही है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए। क्लियर क्लियर है? यस सर। तुम या तो टू टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से भी जा सकते हो उस मेथड से, लेकिन वो दो चार स्टेप बढ़ा देगा। तो तुम ऐसे सोचोगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा ये रिजल्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में आ रहे। तो लिखो इसको जल्दी, हो गया? यस सर। यस ठीक है, अब ये हो गया प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन, मतलब जीपी में भी जब हम पढ़ेंगे तो पहले जीपी के जनरल टर्म, जीपी का सम वो वाला एक पार्ट, जीपी की प्रॉपर्टीज दूसरा पार्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन तीसरा पार्ट। तो हर एक चीज ऐसे तीन इसमें डिवाइडेड है, एपी जीपी एंड एचपी की। एचपी में सम डिफाइन नहीं होता, वो उस टाइम पे देख लेंगे। अब यहाँ पे हमें पढ़ना अरिथमेटिक मीन, एएम कहते हैं उसको, या अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन में लिखो, सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, एएम बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो लिखो इफ
if A, B, C are in AP, if A, B, C are in AP, then B is called as arithmetic mean of A and C. मतलब अगर ये ए बी सी ए पी में है तो ये जो बी है उसको हम ए एंड सी को अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बी को कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ए प्लस सी बाय टू अपॉन टू। तो मतलब जब भी दो टर्म्स का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, उन दोनों का सम अपॉन टू, तो वो हमें उन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन दे देगा। तो यहाँ पे बी ए एंड सी का अरिथमेटिक मीन है, क्योंकि बी को हम ए प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, जब किसी भी दो टर्म्स का अगर अरिथमेटिक मीन हमें चाहिए तो उसमें हम क्या करेंगे, उन दोनों का सम अपॉन टू, तो वो हमें उन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन दे देगा। एंड उस अरिथमेटिक मीन को अगर हम उन दोनों टर्म्स के बीच में बैठाएंगे तो वो तीनों एपी में आ जाते हैं। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन ध्यान रखना हमेशा उन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करेगा, एंड उसको हमने वहां पे दे दिया तो वो तीनों टर्म्स एपी में आ जाते। क्लियर सर, ये एवरेज जैसा ही है ना? हाँ, एवरेज वही अरिथमेटिक, एवरेज मीन्स अरिथमेटिक मीन ही होता है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया दो टर्म्स का, ठीक है, एन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन ऑफ एन टर्म्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ एन टर्म्स। तो इसमें लिखो लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर एन टर्म्स, Rn terms, then their arithmetic mean is, तो उनका arithmetic mean am is equal to आ जाएगा उन सबका sum upon ये total कितने numbers है n, तो ये उनका arithmetic mean रहेगा। ठीक है, sum of all the terms upon, तो ये हो गया arithmetic mean of n terms। sir last slide दिखा, yes sir। हो गया, यस सर, यस सर। उसके बाद ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ एन टर्म्स, पहले वाले में अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स। अब अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है दो टर्म्स के बीच में, ये तीसरा पार्ट है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड। अरिथमेटिक मीन, ये ऐसा नहीं, एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। तो ये देख लो, दो नंबर जो है हम उनको ले लेते हैं ए एंड बी, ये गिवन नंबर्स है, अब इनके बीच में अन अरिथमेटिक मीन्स देने हैं,
तो मान लो पहला अरिथमेटिक मीन है ए वन, दूसरा है ए टू, ए थ्री, अप टू ये ए एन। इसमें लिख लेना ए एन बी आर गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स एंड लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन देम, ये पहले लिख लेना, आर एन एम्स बिटवीन देम। तो ये ए ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये बी, तो ये सारे टर्म्स किस में आएंगे बताओ, एपी में। एपी ध्यान रखना, अगर हम अरिथमेटिक मीन्स को वहां पे बीच में बैठा देते हैं तो वो पूरे एपी में रहेंगे। तो यहाँ पे ये सारे एपी में रहेंगे। अब हमें ये ए वन ए टू ए थ्री क्या होगा वो निकालना है। ए और बी तो हमें पता रहेगा, अब ए वन ए टू ए थ्री निकालना पड़ेगा। तो ये सारे एपी में है। अभी यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स दिख रहे तुम्हें? n plus 2। मतलब ये जो b वाली टर्म है, ये b जो है वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, n plus 2। तो अगर हम उसको जनरल टर्म के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है a, कौन से पोजीशन पे आता है, n plus 2th पोजीशन पे आता है, माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d ले लेते हैं। तो यहां से हमें d मिल जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस वन। क्लियर है कैसे मिलेगा? हमें दिख गया यहाँ पे टोटल n प्लस टू टर्म्स है और ये b जो है वो n प्लस 2th पोजीशन पे आ रहा है। तो जनरल टर्म की हेल्प ले ली हमने, लास्ट टर्म b है, फर्स्ट टर्म a है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है अब यहाँ पे, तो वहां से d निकल जाएगा। d एक बार निकल गया तो तुम बताओ a में अगर हम d ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1 सेकंड हां a1 मिलेगा a प्लस d। 2d ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, a2, मतलब दूसरा जो हमें अरिथमेटिक मीन। एंड ऐसे ही अगर हम इसमें एन डी ऐड करेंगे तो हमें लास्ट अरिथमेटिक मीन मिलेगा, nth अरिथमेटिक मीन। क्लियर? मतलब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, डी निकाल दे। अगर एक बार डी मिल गया तब तो फिर वो सारे अरिथमेटिक मीन्स हम निकाल लेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके लिख लो इसको सर। हाँ बोलो। ए और बी दिए रहे सर, वो एन प्लस टू कैसे आया, वो कौन से, जब हम लिखते हैं टी एन मतलब वो एनथ पोजिशन की टर्म होती है, तो इसकी वजह से हम वहां पे एन माइनस वन इंटू ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये nth पोजीशन की होती है, ये n प्लस टू पोजीशन पे आ रहा है तो इसलिए वहां पे n प्लस टू। ठीक है, क्लियर सर। और हाँ, ए एन बी गिवन रहेंगे, बस यही दो चीजें गिवन रहेगी जिसकी हेल्प से हमें ये निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ए वन ए टू ए थ्री। सर हमें में कितने अरिथमेटिक मीन्स वो भी दे रहेगे ना? नहीं नहीं, वो निकालने पड़ेंगे, वो क्यों गिवन रहेंगे, वही तो निकालना है सर। हमें हर बार बी को एन प्लस टू ही लेना पड़ेगा, एन प्लस हर बार थोड़ी, यहाँ पे मैं एन अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू दिख रहे हैं। अगर मैं वहां पे बोलता टेन अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है तो वहां पे टोटल कितने टर्म्स आते, बारह, फिर वो बारहवें पोजीशन की टर्म रहती तो यहाँ पे 12 यूज 12 यूज करता मैं। ठीक है, यस सर। तो लिख लो इसको जल्दी। तो सबसे पहले डी निकाल लेंगे, और एक बार डी निकल गया तो फिर सारे टर्म्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे ये जो a1 a2 a3 अप टू an इनका जो सम आता है उसको हम प्रॉपर्टी की हेल्प से देखते हैं। ये जो a1 प्लस a2 प्लस a3 ये जो n अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए हैं उनका जो सम है वो देख लो कितना आएगा। यहाँ पे बताओ ये सारे टर्म्स ap में है, बोलो। यस सर। तो ए वन प्लस ए एन का सम हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए वन प्लस ए एन का सम
ए प्लस बी लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है, देखा है कि नहीं देखा है? Yes, देखो स्टार्टिंग से सेकेंड एंड से सेकेंड, तो इन दोनों का जो सम है वो ए प्लस बी के इक्वल आएगा, ऐसे ही ए टू एन ए एन माइनस वन का सम ए प्लस बी के इक्वल आएगा, है ना? तो ये देख लो हम पेयर वाइज अब इनको देते हैं, ये ए वन प्लस ए एन, फिर उसके बाद ए टू प्लस ए एन माइनस वन, और फाइनली जाएंगे तो यहाँ पे बताओ ऐसे कितने पेयर्स बनने वाले है, टोटल टर्म्स एन है तो कितने बनेंगे? N by 2, N by 2, और ये a1 plus an इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? a plus b, ये a सारे इक्वल आएंगे, ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स है वो सारी सेम आ जाएगी, a plus b, a plus b, a plus b प्रॉपर्टी की हेल्प से, एंड ऐसे कितने बनने वाले? n by 2, तो n by 2 into a plus b, तो ये सारे अरिथमेटिक मीन्स का क्या आ जाएगा? सम। क्लियर? प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको निकाला है, तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन्स का थ्योरी पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बढ़ जाएंगे, एंड जो अब क्वेश्चन वाला पार्ट है जो एक्चुअल में पूछा जाता है वो बता देता हूँ कैसे होते हैं क्वेश्चंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉम्बिनेशन होते हैं वहां पे, ठीक है? वो हम जीपी खत्म होने के बाद देखेंगे या जीपी में ही साथ ही साथ देखते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है? यस सर। चलो तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? सर मतलब एपी और एपी से नहीं पूछे जाते क्या? डायरेक्ट कम चांसेस होते पूछे जाने के, मिक्स क्वेश्चन ज्यादा रहते, ठीक है? यस सर। तो चलो होमवर्क कंप्लीट करके रखना। Yes. तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू।